बिलाल ने जब इस्लाम कबूल किया ना तो लोहे महफूज से इश्क आ गया। इश्क ने कहा है, बिलाल तूने इस्लाम तो कबूल कर लिया है, तो ये नहीं पता कि इसके इम्तिहान कितने सख्त हैं, इसके सेंटर कहाँ कहाँ होते हैं, इसका निगरान कौन कौन है। तो बिलाल फरमाते हैं कि इश्क मुझे बता। इश्क कहता है, बिलाल मेरे कोल अमानता तेरी आने, तेरे तक जरूर पहुँचावांगा मैं तेनू इश्क मुस्तफा दा जाम दे के, पूरे मक्के दे विच पहुँचावांगा मैं तेरा जोर यहूदियां दे नाल पैना ही, मारा उन्होंने तो तेनू पवावांगा मैं चलना पैना ही तपदियाँ कोलियाँ ते, अल्लाह रेत ते तेनू लटावांगा मैं तेरे नाखूनों दे विच किल ठोक के ते दास्तान अजीब बनावांगा मैं, तेरे नाखूनों दे विच किल ठोक के ते दास्तान अजीब बनावांगा मैं। तो हज़रत बिलाल ने फरमाया कि अगर मैं तेरे इम्तिहान पास कर जाता हूँ तो मुझे क्या देगा, तो मुझे क्या मिलेगा। तो आज कोई बच्चा वो टॉप करता है तो उसे सोलर लैंप दिया जाता है, किसको लैपटॉप मिलता है। तो इश्क कहता है हज़रत बिलाल को, ए बिलाल जिन अर्श ते सद के रब मिलता है उदे अल्लाह सीने ना तेनू लावांगा मैं, वो जे काबे नू करदा जग सजदे उदी छाते तेनू चढ़ावांगा मैं, कल क्यामत जद होरां तकसीम हो सन सरदार होरां दी तेनू दवावांगा मैं, अल्लाह सब नबी पैगंबर हो सन पिछे तेनू जन्नत सन पहले ले जावांगा मैं।